अयोध्या जी आसंती से सरजू नदी कूल निश्चय आसंती आ संध्या हेले आरती समेत निश्चय आसंती आमे आस्तुलु आरती चली थिला आ श्रद्धालु माने थिले तांको सारे कथा बा जानिबा तांको मनर कथा कारण जेत आरती आमे देखु शांति तो मिले अनेक नदी कूल रे आरती हुए एठी मध्ये नदी कूल आरती हो आ एठी नदी कूल रे आरती समय रे नदी की पूजा करा जाउथला आ राम को मध्ये पूजा करा जाउथला कथा बा श्रद्धालु माने अछंती ये जो यहां पे नदी पे जो परंपरा है पूजा की आरती की ये देखने के लिए आप सब आए थे तो ये माहौल कैसे फील हो रहा था कि सब अपने आप खींचे चले आ? ये एकदम ही डिफरेंट माहौल है, ये और कहीं नहीं मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। शांति मिलती है पूजा करके, मतलब अच्छा लगता है, मन शांत हो जाता है। हम 5 बजे से आके बैठ गए थे कि हाँ आरती स्टार्ट होने वाली है, देखना था, अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा, शांति शांति था एकदम। हर नदी के किनारे लोगों की इच्छा होती है कि हम आरती करें और अयोध्या आए तो दौड़े चले आते हैं। हाँ बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली। हर नदी के किनारे आरती का एक अलग महत्व है, हमने गंगा जी की आरती हरिद्वार में भी देखी, सरयू के किनारे आरती का एक अलग एहसास हुआ कि बहुत ही अच्छा लगा। अनुभव हुआ कि यहीं आसपास में कहीं राम है? राम तो हमारे साथ हमेशा ही है। हाँ बिल्कुल हमारे साथ है, हमेशा हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। जैसे कि अभी मंदिर प्रतिष्ठा होने वाली है, उससे पहले ये उत्सुकता और बढ़ रही है। हाँ सबको लग रहा है कि मतलब अच्छा है, कि अच्छा भी लग रहा है, डेवलप भी हो रहा है, काफी कुछ खाने में भी अच्छा है, रोड भी अच्छी हो रही है, तो सब कुछ अच्छा है, माहौल अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पे अध्यक्ष भी है, अध्यक्ष जी से बात करें। अध्यक्ष जी, जैसे कि सरजू में आरती देखने के लिए यहाँ पे लोग आए थे, भीड़ जमी थी, कितना आनंद आपको लगा? क्योंकि अब तो हर जगह वही एक ही बात हो रही है, सबकी इंतजार है उस घड़ी। हम लोग तो आनंद में फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि हम उन भक्तों का दर्शन कर रहे हैं। एक बात कही है, भक्त बड़ो भगवान से चारों युग प्रमाण, सेतु बांध रघुबर गए कूद गए हनुमान। तो भक्तों की महिमा तो भगवान से भी बढ़कर है, क्योंकि भक्त ही बतलाता है कि ये हमारा स्वामी है और मैं इसका दास हूं। तो भक्त ही भगवान की पराकाष्ठा है, भगवान का परिचायक है। तो निश्चित रूप से भक्तों का स्वागत, भक्तों का अभिनंदन है। सारे लोग आते हैं तो मन में आह्लाद होता है, मन आह्लादित होता है, प्रसन्नता होती है कि आज इतने लोग भगवान रामलला के लिए आए हैं। अगर भगवान रामलला नहीं होते, माँ सरजू जी ना होती, तो आज इतने लोगों का दर्शन नहीं मिलता। तो निश्चित रूप से भक्तों का दर्शन हम सबके लिए कल्याणकारी। बहुत सालों से यहाँ पे आरती हो रही है, लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए, जब पता चल रहा है कि बस कुछ ही दिनों में मंदिर प्रतिष्ठा हो रही है, रामलला को दर्शन करेंगे, तो भक्तों के बीच में उत्साह जो देख रहे हैं, आपको अंदरूनी कितनी खुशी महसूस हो रही है? मैं कह रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता। एक बात है कि जिभ्या के पास नेत्र नहीं है और नेत्र के पास जिभ्या नहीं है, सरस्वती भी इसका वर्णन नहीं कर सकती। जो इस समय मन में एक हर्षोल्लास है, आप विचार कर सकते हैं कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, कितने लोगों ने, कितने महिलाओं का सिंदूर उजड़ गया, कितनी विधवाएं हो चुकी। और महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी एक महिलाओं की सेना बना करके राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए आक्रमण किया था, कितनी महिलाएं इसमें अपने प्राणों को उत्सर्ग कर चुकी हैं। तो निश्चित रूप से ये तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग क्या पूरा सनातन धर्म, पूरा विश्व में जहां भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग होंगे, हिंदू मात्र होंगे, उनका मन आह्लादित होगा, प्रसन्नता से भरे होंगे। जीवली भावरे जे अध्यक्ष अच्छा, एठी का दायित्व अच्छा, से जमी उत्साहित अच्छा, एठी आसुवा सब श्रद्धालु से उत्साहित अच्छा आसुच्च सरजू नदी को प्रणाम करुंच, एठी आरती करुंच, आउ परिक्रमा करुंच अयोध्यार।